सभी मित्रों को डॉक्टर बालगोपाल शर्मा का भावभरा नमस्कार। आप सबसे मुखातिब होने का मुझे ये पहला अवसर मिल रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारथी एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लासेस प्रोग्राम और यूट्यूब चैनल को कि मुझे आप सब लोगों से मिलने का एक मौका, एक अवसर ये संस्थान प्रदान कर रहा है। मित्रों, आप सभी को अवगत होगा या मैं थोड़ी सी आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ कि सारथी एकेडमी उदयपुर में स्थित एक ऐसा संस्थान है जिसने अपनी कर्मठता और अपनी असीम मेहनत और प्रयत्न से बच्चों का जो मार्गदर्शन किया है काबिले तारीफ है। संस्थान के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। 16 दिसंबर 2014 को इस संस्थान का सपना देखने वाले श्री महेंद्र सिंह जी भाटी विद्यार्थियों से ऑनलाइन रूबरू होने का मौका मुझे दिया है। मित्रों, माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखने का मैंने प्रयास किया है और आज के इस दिवस पर आप सबको समर्पित करना चाहता हूँ। और साथ ही मुझे याद आ रहा है कि मेरे जीवन में भी माँ का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन अब मुझे नहीं मिल पा रहा है और बड़े भावुक क्षण होते हैं। 29 मई 2019 को मेरी माँ ने भी मुझे कहीं न कहीं पार्थिव शरीर त्याग कर परमात्मा की शरण में लीन हो गई। वो क्षण जब याद करता हूँ तो बड़ा भावुक सा हो जाता हूँ और कभी कभी सोचता हूँ कि जिन बच्चों को माँ का प्यार और दुलार नहीं मिलता, पिता का प्रेम नहीं मिलता, उनके जीवन में कितनी बड़ी रिक्ति होती है।
मैं केवल एक वर्ष से माँ से प्रत्यक्ष रूप से दूर हुआ और माँ का जो शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो गया, तब भी मुझे बहुत बड़ी रिक्ति लगती है और मैं माँ को सच्ची श्रद्धांजलि देता रहा हूँ। और आज फिर इस ऑनलाइन क्लास में भी आप सबसे जब रूबरू होने का मौका मिला और मदर्स डे का और मातृ दिवस का आज अवसर है, मैं मेरी माँ का स्मरण करता हूँ, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ, उनका आशीष सदा मुझ पर बना रहे और विश्व की समस्त माओं का आशीर्वाद अपनी संतानों के ऊपर सदैव बना रहता है। माँ को समर्पित कुछ पंक्तियाँ आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। माँ ममत्व का सागर है, माँ ममत्व का सागर है, माँ स्नेह का जीवंत प्रतिमान है, माँ दया का अक्षय पात्र, करुणा का साक्षात अवतार है, माँ दया का अक्षय पात्र, करुणा का साक्षात अवतार है, माँ धरा पर परम पिता का वरदान है, माँ धरा पर परम पिता का वरदान है, शिशु की प्रथम पाठशाला परिवार है, संस्कारों का विस्तृत बागान है, हम सब का भरा पूरा संसार है, माँ ममत्व का सागर है, माँ स्नेह का जीवन प्रतिमान है। और हम सब जानते हैं साथियों कि माँ के बिना हमारा संसार अधूरा सा है, माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, रिश्ते नाते सभी हैं, सभी रिश्तों के साथ हम सब जीवंत रहते हैं, लेकिन माँ का जब नाम आता है आंखें सजल हो जाती है, माँ की ममता का कोई मोल नहीं, परमात्मा का दूसरा स्वरूप माँ है। हमने परमात्मा को इन चक्षुओं से देखा तो नहीं, लेकिन परमात्मा की अनुभूति हम माँ के व्यवहार में, माँ के प्रेम में, माँ के स्नेह में, माँ के उस प्रगाढ़ आलिंगन में महसूस कर सकते हैं। माँ दुग्ध और रक्त से सिंचित कर, माँ दुग्ध और रक्त से सिंचित कर गढ़ती रहती हमें जीवन भर, गढ़ती रहती हमें जीवन भर, खुद गीले में सोकर दर्द वेदना सहकर, खुद गीले में सोकर दर्द वेदना सहकर, प्रसव की असीम वेदना में बहकर, केवल संतान का मुख चंद्र देख हरसाती है, केवल संतान का मुख चंद्र देख हरसाती है। आओ मिलकर झुक जाएं माँ के चरणों में, आओ मिलकर झुक जाएं माँ के चरणों में, चारों धाम सब तीरथ इसी में, चारों धाम सब तीरथ इसी में, जीवित रहते इन्हें सुख पहुंचाओ, युग कलयुग है कोई बात नहीं, लेकिन माँ माँ है, माँ ने अपना स्वरूप नहीं बदला, युग बदला है लेकिन माँ माँ है, हम सबको मिलकर माँ का सम्मान करना चाहिए। जीवित रहते इन्हें सुख पहुंचाओ, इनकी चरण रज को ललाट पर लगाओ, इनकी चरण रज को ललाट पर लगाओ, करो आरती इनकी नित्य प्रेम दर्शाओ, करो आरती इनकी नित्य प्रेम दर्शाओ, आवेश करता है विनती सबसे, आवेश करता है विनती सबसे, विश्व की मातृशक्ति को खूब सम्मान दिलाओ, विश्व की मातृशक्ति को खूब सम्मान दिलाओ, माँ ममत्व का सागर है, माँ स्नेह का जीवंत प्रतिमान है, माँ दया का अक्षय पात्र, करुणा का साक्षात अवतार है, माँ माँ ममत्व का सागर है। मित्रों, महाराणा प्रताप का नाम लेते ही हम सब बड़े गौरवान्वित हो जाते हैं और हमारा मस्तक गर्व से उन्नत हो जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हिंदी में महाराणा प्रताप के बारे में विविध कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। आपको याद आ रहा होगा श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी जो खंड काव्य लिखा है अपने आप में अद्भुत है। उत्तर प्रदेश में जन्मे पांडे जी ने हल्दी घाटी के शौर्य को कहीं ना कहीं अनुभूत किया और महाराणा प्रताप की जीवंत गाथा को हिंदी काव्य में सृजित किया। आपको याद आ रहा होगा जयशंकर प्रसाद की कविता प्रसिद्ध पेशोला की प्रतिध्वनि कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित। और हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे कवि कन्हैया लाल जी सेठिया, आपको याद आ रहा होगा पाथल और पीथल के रूप में। मैं महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कुछ
पंक्तियां आप सबको समर्पित करता हूं। मेवाड़ का वासी हूं, मैं बड़ा गौरवान्वित भी होता हूं कि जिस धरा पर कभी महाराणा प्रताप के कदम पड़े थे, वहां का मैं भी वासी हूं। आप सभी भी गौरवान्वित होंगे सुनकर। मेवाड़ की शौर्य धरा पर उदित हुआ प्रताप, मेवाड़ की शौर्य धरा पर उदित हुआ प्रताप, घना कोहरा अंधकार का दूर हुआ प्रलाप, घना कोहरा अंधकार का दूर हुआ प्रलाप, शमशीरों की चमक चांदनी से भरा पूरा आकाश, शोणितों की बूंदों से लिखा अमर उज्जवल इतिहास, जय जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जय जय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। सकारात्मकता से जंग जीती जाएगी। मैं पटवारी के बच्चों के लिए, स्पेशली हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए कहना चाहता हूं कि हिंदी अपने आप में ऐसा विषय है, ऐसी भाषा है जिसको हम सरलता से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर हमको दिला सकती है। भाषा की जब बात करते हैं और हिंदी की जब बात करते हैं तो वर्ण विचार है हमारे पास, शब्द विचार है, वाक्य विचार है, और वर्ण विचार से शुरू करते हुए हम शब्द विचार और शब्द विचार से वाक्य विचार की तरफ बढ़ते हुए हिंदी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से व्याकरण है, और व्याकरण में भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि संधि समझ में आ गई तो पूरी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई, एक आत्मविश्वास हमारे मन में होता है। मैं प्रयास करूँगा आप सभी विद्यार्थियों को मैं अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में पूर्णतः निशुल्क रूप में इस सारथी के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंच पाऊं, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, पूर्व विद्यार्थी, अभी जो पढ़ रहे वो विद्यार्थी, और भविष्य में कई सारे ऐसे विद्यार्थी जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, वो सभी इस सारथी एकेडमी के मंच से आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से निशुल्क पूर्णतः इस कार्यक्रम से आप जुड़ें। अंत में मैं यही आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सभी मित्र, सभी विद्यार्थी इस मुहिम को आप आगे की तरफ बढ़ाएं, आप अधिक से अधिक इस सारथी एकेडमी के चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बच्चे बच्चे तक इस चैनल को पहुँचाने का एक पावन कृत्य है वो आपके द्वारा अपेक्षित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा जो आग्रह आप सभी मित्रों से किया गया है, विद्यार्थियों से किया गया है, अगर आप अधिकाधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएंगे तो लाखों लाख विद्यार्थियों से जुड़ने का मुझे भी एक मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और अंत में जितनी नकारात्मकता इस विश्व में इस समय है, उन नकारात्मकता के बीच में सकारात्मकता की सदैव जीत होती है। दो पंक्तियां सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ में,
मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। ऐसे अनेक लोग इन दो पंक्तियों का अनुसरण करते हैं। मुझे लगता है ये पहले वाली दोनों पंक्तियां निराशा की द्योतक है। कर्म के बूते पर भाग्य लिखा जा सकता है। परमात्मा ने कर्म ऐसा हथियार दे रखा है कि हम अपने भाग्य की लकीरों को बदल सकते हैं। तो मित्रों, आप हताश नहीं होंगे। इसके बाद की जो दो पंक्तियां वो आप सुनिएगा। मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। लेकिन दो पंक्तियां जो हमें बहुत सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है और कहती है, वक्त आएगा एक दिन कह दूंगा खुदा से, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। सभी मित्रों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। अधिकाधिक मात्रा में अधिकाधिक लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, इस पावन गंगा को आगे तक पहुँचाइए। हम सब आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सारथी के इस मंच को, आदरणीय भाटी साहब को। जय भारत, जय हिंद।